यूट्यूब चैनल एसएनएल इलेक्ट्रिशियन में आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास बोर्ड है, इसमें एक इंडिकेटर और एक होल्डर और तीन स्विच और एक 5-पिन सर्किट है। फ्रेंड्स, आइए आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके वायरिंग किस तरह से करता है। फ्रेंड्स, चलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास अभी बोर्ड का कनेक्शन कर रहे हैं, ये हम फेस का कनेक्शन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए वीडियो में। चलिए, ये हमारा मेन का कनेक्शन हो गया। फ्रेंड्स, ये हम एक नेगेटिव डाल दिया अभी सपोर्ट के लिए। फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है, आप देखते रहिए सिर्फ कि एक नेगेटिव से हमको एक पॉजिटिव से हमको टोटल में लाइन किस तरह से देना है और किस तरह से हमारा बोर्ड क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको देख लेना है तार जो छीलना है, तो तार देख लेना है कहाँ तक जा रहा है मेरा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दूसरा तार लेंगे और ये तार को, ये तीनों स्विच का नीचे वाला टर्मिनल जो है, नीचे वाला टर्मिनल में हमको सब में डालना है फेज का कनेक्शन, जिसमें सब एक दूसरे से अटैच होके जिससे हम फेज का कनेक्शन कर लिए और इसको अच्छा से स्क्रू ड्राइवर से हमको टाइट कर देना है। ये हमारा तीनों टाइट हो चुका है। फैंस, अब मेरा जो एक बचा है वायर, जिसमें ऊपर वाला में जो है फैंस, इसको हमको ऊपर में कनेक्शन करना है। देख लीजिए फैंस किस तरह से करना है ऊपर में कनेक्शन। देख लीजिए फैंस, ये हमारा ऊपर में कनेक्शन हो गया। अब देखना है फैंस कि इसमें नेगेटिव भी आएगा और होल्डर सॉकेट और 2-पिन सॉकेट का भी कनेक्शन होगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। फैंस, अब इसमें हमको एक नेगेटिव का भी पहले कनेक्शन करना है। नेगेटिव जो है, ये हमारा नेगेटिव हो गया। फैंस, नेगेटिव को हमको तीन स्विच सॉकेट तीन जगह टच करके ले जाना होगा। जैसे हमको फेज में टच करना पड़ा है, उसी तरह से हमको नेगेटिव को भी टच करके लाना पड़ेगा। फैंस, तो देखना यह है कि नेगेटिव भी एक ही रहना चाहिए और पॉजिटिव भी एक ही रहता है। फैंस, सिर्फ स्विच होता है कटआउट के लिए। चलिए फैंस, यहाँ तक हो गया। फिर 2-पिन सॉकेट में जो है फैंस, उसमें भी नेगेटिव हमको देना है। तो पहले चलिए सॉकेट का कनेक्शन हम करते हैं। सॉकेट में जिस स्विच का जस्ट सॉकेट जो जस्ट बगल में रहता है फैंस, तो इसी में डालना है हमको, इससे बेहतर रहेगा। हम इसको डाल दिए। ये देख लीजिए फैंस, ये सॉकेट का भी मेरा कनेक्शन हो चुका है। फैंस, अब मेरे पास दो स्विच बचा और दो पॉइंट और मेरा खाली है, जैसे मैं होल्डर और 2-पिन सॉकेट। फैंस, ये मेरा कनेक्शन यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब 2-पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है। फैंस, आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से 2-पिन का सॉकेट का हम कनेक्शन करते हैं। फैंस, एक तार का टुकड़ा भी हमको लेना है और दूसरे वाली स्विच जो है बचा है मेरा नेक्स्ट वाली स्विच जो बचा है, तो उस स्विच में अच्छा से कनेक्शन करना है। फैंस, इसको करके बस 2-पिन सॉकेट का जो एक पॉइंट है उसका जस्ट ऑपोजिट वाला नीचे या ऊपर भी डाल सकते हैं आप, उससे कोई। और नेगेटिव को जो फिर से हमको एक इंडिकेटर से नेगेटिव लेके ऊपर कर देना है। तो ये मेरा यहाँ तक कनेक्शन हो चुका है। फैंस, अब मेरे पास बचा है एक होल्डर और एक स्विच खाली, जिसका अब जिसमें कि दो तार होता है होल्डर में भी। फैंस, इसको नेगेटिव का कनेक्शन भी चाहिए। तो फैंस, हम नेगेटिव वही तार से 2-पिन सॉकेट से ले लिए जिसमें मेरा तार इजवली चले गया। फैंस, और एक स्विच का पॉइंट खा लिया जिसको हमको होल्डर में डालना है, ये मेरा होल्डर में चले गया। फैंस, देख लीजिए बोर्ड किस तरह से वायरिंग करना है। ये मेरा यहाँ से वहाँ चले गया, ये मेरा सॉकेट से 2-पिन सॉकेट से स्विच से चले गया। फैंस, ये मेरा बोर्ड क्लियर हो चुका है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए और वीडियो में बने रहिए, इसको हम चेक करके लाइव दिखाएंगे फैंस किस तरह से चलता है। ये मेरा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। फैंस, इजली हमारे घर में नेगेटिव पॉजिटिव जो है ठंडा गर्म जिसको बोलते हैं फैंस, इसमें हमारा इन्वर्टर अगर जो घर में है तो ठंडा गर्म से कोई मतलब नहीं रखता फैंस। जिस घर में इन्वर्टर नहीं है, सॉरी, उस घर में ठंडा गर्म का कोई फ्यूचर नहीं लेके चलना है। फिर भी हमको डबल तार यूज करना है और कलर वाइज कलर तार यूज करना है। फैंस, अब देखना यह है कि इसमें हम पॉइंट इसमें जो हम अभी लाइट देंगे लाइव दिखाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। यह देख लीजिए होल्डर का कनेक्शन किस तरह से हम किए हैं और ये नेगेटिव हम कैसे कैसे दिए हैं। फैंस, ये आपका घर का भी बोर्ड आप अपने से बना सकते हैं और खुद आप बोर्ड जो भी है आप खुद का वायरिंग कर सकते हैं। फैंस, अब देखना यह है इसमें हम बोर्ड टाइट कर दिए हैं। फैंस, इसमें हमको पूरा लाइव दिखाएंगे किस तरह से अभी हमको बोर्ड चालू करना है और ये हमारा बोर्ड चालू हो चुका है। फैंस, अब देखना है इसमें लाइन देना है और लाइन देके आपको लाइव दिखाएंगे। इसमें बल्ब जला और इंडिकेटर में भी लाइन आएगा और स्विच सॉकेट भी काम करेगा। वीडियो में बने रहिए। ये मेरा इंडिकेटर जल चुका है फैंस। अब हमको होल्डर भी चेक करना है और 2-पिन सॉकेट भी चेक करना है और 5-पिन सॉकेट भी चेक करना है। फैंस, देख लीजिए मेरा बल्ब जल चुका है फैंस। ये बल्ब वाला कनेक्शन सबसे फर्स्ट वाला स्विच है, ये वाला स्विच है मेरा बल्ब का कनेक्शन। फैंस, ये बल्ब भी मेरा जल चुका है।
अब दूसरा वाला कनेक्शन चेन चेक करना है फैंस। अब हमको दूसरे जगह डालना है दूसरा, अब दोनों स्विच बचा है मेरे पास खाली, तो देख लीजिए फैंस किस तरह से कनेक्शन होता है। और ये दोनों स्विच का भी अभी हम लाइव आपको चेक करके दिखाएंगे फैंस। ये मेरा बल्ब जल रहा है, ठीक बल्ब मेरा पूरा जल रहा है, इंडिकेटर भी जल रहा है, बोर्ड मेरा क्लियर हो चुका है फैंस। अब देखना है कि सॉकेट में भी लाइन चले गया है और टू पिन सॉकेट में भी लाइन चले गया फैंस। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल एहसान अली इलेक्ट्रिशियन को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जो कि ऐसे ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं फैंस, जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए और आप हमारे वीडियो देख के कुछ अच्छा काम अपना कर लें फैंस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।